चांदनी चौक में इलायची के मोहल्ले में अजीब वारदात हो रही है। कोई है जो किसी भी औरत से बात करने पर मर्दों पर कर देता है केक से अटैक। सीरियल जीजा जी छत पर है में कौन दे रहा है ऐसी घटनाओं को अंजाम, चलिए देखते हैं। जब इलायची के गजब चांदनी चौक में आ गई है नई मुसीबत। चांदनी चौक में रहने वाले मर्दों पर हो रहा है केक अटैक। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारी बात पर यकीन नहीं तो ये नज़ारा ही देख लीजिए। यहाँ बैठे हर आदमी का चेहरा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार सीरियल जीजा जी छत पर है में किसी भी मर्द को बख्शा नहीं जाएगा। निशाना बना बना कर हर मर्द के चेहरे पर केक छापा जाएगा। दरअसल चांदनी चौक में कोई ऐसा शख्स आ गया है जो किसी भी औरत से बात करने वाले आदमी के चेहरे पर केक से अटैक कर देता है। और इसी बीच इलायची को देखने के लिए लड़के वाले भी घर पर आ गए हैं। अब इनके चेहरे देखकर आप भी समझ ही गए होंगे कि लड़के वालों का स्वागत भी केक के साथ ही हुआ है। खैर, खुशखबरी ये है कि लड़के को इलायची पसंद आ गई है। इलायची जी की तरह कमाल का इंसान कौन ही है? ये उनमें से नहीं है जो दबके रह जाती है, बल्कि आज मर्दों की दुनिया में भी सबसे टकरा सकती है। अलग है, सी इज टोटली डिफरेंट, यू नो। नहीं, मैंने नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिटेल में बताओ मुझे। ऐसी है, ऐसी है जैसी आपने कभी देखी नहीं। तेरी है पूरी दुनिया को नचा सकती है ना। सबको नचा सकती है, मतलब कि मैंने शादी के बाद हम लोग सब लोग मिलकर डांस करेंगे, मतलब सास ससुर और बहू और बेटा। I'm totally impressed. लड़के के पापा भी इलायची को अपनी बहू बनाने के लिए रेडी हैं और वो जल्द से जल्द दोनों का रोका करना चाहते हैं। अरे सेठ जी, काम करते हैं हम लोग, है ना, कल ही रोका कर लेते हैं, रोके की रस्म निभा लेते हैं, उसके बाद मंगनी जो है ना वो हम धूमधाम से करेंगे। पंडित जी, शादी का मुहूर्त आप जल्द से जल्द निकलवाओ। देखिए, ये तो दक्षिणा पर निर्भर करता है। हम भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं। पंचम के होते हुए इलायची किसी और की हो जाए ये हो नहीं सकता, और पिंटू होने भी नहीं देंगे। तभी तो देखिए ना, पिंटू शादी में हो रही जल्दबाजी के लिए पंडित जी को टोक देते हैं। हम क्या कह रहे थे पंडित जी, ऐसा ना कि शादी ब्याह के मामले में हड़बड़ी नहीं करते, क्या है ना, हड़बड़ी में जो है ना गड़बड़ी हो जाती है। हमारी शादी देखो, मैंने ऐसी जल्दबाजी करी, हड़बड़ी मतलब पूरी शादी गोलमाल हो रखी है। अरे मिसेस पंचम, आपको तो खोल होना चाहिए भाई, चंड मंगनी पर ब्याह की तैयारी हो रखी है, आपको तो बस इलायची का उपटन और उसकी हल्दी की तैयारी करनी चाहिए। ओहो, मुरारी सेठ की बात सुनकर तो लग रहा है कि इस बार इलायची का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। लेकिन डर तो इस बात का है कि केक मैन के टेरर के बीच ये रिश्ता होगा कैसे। चलिए इलायची से ही जानते हैं कि चांदनी चौक में ये केक अटैक क्यों और कैसे हो रहा है। एक्चुअली बहुत मजेदार सीक्वेंस है, क्योंकि मैंने भी पहली बार ऐसा कुछ शूट कर रही हूँ कि इतने केक पड़ रहे हैं। और कोई भी लड़की किसी लड़के से बात कर रही है या कोई भी लड़का किसी लड़की से उसकी बात सुन भी रहा है तो उसके मुंह पे केक पड़ रहा है। क्यों, कहां से पड़ा है, नोबडी नोज। एज दिस केक मैन ऐसा कोई है, पता नहीं कैसा दिखता है, कैसी शक्ल, या तो बहुत सारे केक्स का बना होगा तो उसमें से अपने अंदर से केक्स निकाल रहा है। लेकिन इलायची, इसी बीच आपको देखने आया लड़का भी आप पर फिदा हो गया है। अभी जो मेरे बॉयफ्रेंड, उनको साथ तो रहना पड़ेगा ना नजर रखने के लिए क्या कर रही है। एंड इवन आई वांट हिम टू बी टुगेदर, कि हमको साथ में उसका करना है, जो भी उसका प्लान फ्लॉप करना, उसको हटाना है लड़के को। सो वे प्लानिंग, पर हम बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। वो लड़का ना कहना ही नहीं चाह रहा है, उससे हर बुरी चीज भी इलायची की बहुत अच्छी लग रही है। सो वैसे इलायची, केक मैन की वजह से चांदनी चौक के मर्दों की भले ही शामत आ गई है, लेकिन ये सीक्वेंस आपने कितना एंजॉय किया। मैं बहुत ही एंजॉय कर रही थी, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ऊपर केक नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैं एंजॉय कर रही थी। और सबके ऊपर 7-8 केक पड़ रहे हैं एंड पड़े ही चले जा रहे हैं। सो फनी, आई मीन मेरा तो कई बार मन हो रहा था कि मैं उठा के मैं भी केक मारूं, बट आई एम नॉट अलाउड टू।
एक्टर्स नॉट अलाउड कि वैसे स्टंट्स करें. तो आई वांटेड टू, तो मैं सोच रही हूँ अपने बर्थडे पे कुछ ऐसा करूंगी, सबको केक उठाने मारूंगी. अब देखना ये है कि एक साथ दो दो मुश्किलों से कैसे छुटकारा पाएगी इलायची. मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24.